आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। भारत चीन के बीच रिश्ते इस वक्त नाजुक दौर में हैं। दोनों देशों के बीच 1962 में भी एक बार जंग हो चुकी है, जिसमें चीन की जीत हुई और भारत की हार, जिसके बाद 1965 और 1975 में भी दोनों देशों के बीच हिंसक झड़पें हुई है। इन तारीखों के बाद ये चौथा मौका है जब भारत चीन सीमा पर स्थिति इतनी तनावपूर्ण है। दशकों बाद दोनों देशों में पहले से मौजूद तनाव और बढ़ चुका है। दोनों ही देश एक दूसरे पर अपने इलाकों के अतिक्रमण के कारण आरोप लगा रहे हैं। भारत चीन सीमा पर मौजूदा विवाद की शुरुआत अप्रैल के तीसरे हफ्ते में हुई थी, जब लद्दाख बॉर्डर पर यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की तरफ सैनिक टुकड़ियां और भारी ट्रकों की संख्या में इजाफा हुआ था, ऐसा रक्षा विशेषज्ञ बताते हैं। भारतीय क्षेत्र में चीनी घुसपैठ अप्रैल में शुरू हुई थी। पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने देवसांग मैदानों में कुछ प्रमुख बिंदुओं पर अतिक्रमण बहुत पहले ही शुरू कर दिया था। लद्दाख में मई में तनाव की स्थिति पैदा होने के बाद पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नवंबर में आमने सामने होंगे। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन से तनातनी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 17 नवंबर को एक दूसरे के आमने सामने होंगे। दोनों एक ही कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। हालांकि कोरोना संक्रमण के बीच इसका आयोजन वर्चुअल तरीके से किया जा रहा है। दोनों नेता 17 नवंबर को होने वाले ब्रिक्स देशों के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ब्रिक्स की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इस शिखर सम्मेलन की थीम वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा एवं नवोन्मुखी विकास होगा, जिसका मुख्य उद्देश्य जीवन यापन के मानदंडों में सुधार और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है। बयान में यह भी कहा गया है कि इस साल ब्रिक्स के सभी 5 देशों ने शांति एवं सुरक्षा, आर्थिक एवं वित्तीय, सांस्कृतिक एवं आपसी जनसंपर्क जैसे 3 महत्वपूर्ण स्तंभों पर घनिष्ठ सामरिक साझेदारी की। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच सैन्य गतिरोध की स्थिति अप्रैल के आखिर से ही बनी हुई है, जिसकी हिंसक परिणति गलवान घाटी में 15 जून में सामने आई। दोनों देशों के बीच हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। चीन ने लंबे अरसे तक यह नहीं बताया कि उसके कितने सैनिक इस झड़प में हताहत हुए। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन को दोगुना नुकसान उठाना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, BHBC न्यूज। आप देख रहे हैं BHBC न्यूज।